और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइज। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। सो गाइज, ये वाली वीडियो एक कॉम्बो वीडियो होने वाली है, यानी कि सबसे पहले तो मैं इसमें स्पिन वगैरह करके दिखाऊंगा एंड साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताते चलूंगा। आप लोगों ने न्यूज वाले सेक्शन में देखा होगा, वेटरन का एक नया इवेंट देखने को मिला है जिसमें ये सारे के सारे इलाइट पास के बंडल गोल्डन कलर के हैं, तो उनका क्या सीन है, क्या कुछ सीन है, सारी चीजें बताऊंगा। बट अभी के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने 400 का स्पिन मारा है, देख पा रहे हो मतलब अपनी जो बैकपैक है वो ओल्ड वाली निकल चुकी है। तो इसी बात पे गाइस सारे के सारे बंदे एक साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। एंड यस गाइस, आप लोग देख पा रहे हो अपने पास 13,600 डायमंड्स है, जिसमें कि हमें सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 एंड बाकी की और भी बैकपैक्स वगैरह सर्वर्ड वगैरह निकालने हैं। चलो, तो यहाँ पर मैंने 10 की स्पिन मारी है एंड आप लोग देख पा रहे हो काफी कुछ निकल रहा है, जो भी चीज इसमें से निकल रही है ओपी आइटम से निकल रही है। सो गाइस, लेट्स मूव ऑन आवर अनदर टॉपिक, जो कि अपनी वेटरन इलाइट पास। वैसे मैं स्पिन तो करता ही जाऊंगा, आप लोग वो भी देखोगे कि भाई हमें क्या क्या मिला है, कौन से हिप हॉप मिले या फिर सीजन 1 सीजन 2 कितने डायमंड्स में मिले। लेकिन गाइज, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज वाले सेक्शन में, साथ ही गुड़वा इलाइट पास के अंदर, जो कि हमें वेटरन इलाइट पास के नाम से देखने को मिली है, गोल्डन हिप हॉप सकूरा जो भी है वो सब गोल्डन गोल्डन तरह की है, जिसमें ब्लैक एंड गोल्डन इस टाइप की बंडल्स वगैरह एडेड है। सो वो किसे किसे मिलने वाली है, क्या हम लोगों को मिलेगी या फिर किसे मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें डिटेल्स में बात करते हैं। सो गाइस, अभी आप सभी को गेम के अंदर सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 इन सारे बंडल्स को पहने हुए दो तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। पहला वो जो कि हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट से बंडल्स को निकाले एंड दूसरा वो जो कि ओल्ड इलाइट पासेस को लिए थे, यानी पुराने टाइम में जब आया था इलाइट पास के अंदर बंडल्स वगैरह सीजन 1 के इलाइट पास, सीजन 2 के इलाइट पास, सीजन 3 के इलाइट पास, ऐसे ही सीजन 5 के इलाइट पास, वो सारे बंदे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी आप लोग बोलोगे कि भाई इन सब में से वेटरन वाला इलाइट पास किसे मिलने वाला है, तो देखो गाइस, उनको मिलने वाला है जो ओल्ड टाइम पे इलाइट पास लिए थे, यानी सीजन 1 के इलाइट पास को लिए थे, सीजन 2 के इलाइट पास को लिए थे, ऐसे ही। एंड उन बंदों को नहीं मिलेगा जिन्होंने हॉल ऑफ इलाइट के इवेंट से इन सारे के सारे इलाइट पासेस को निकाले, यानी उन्हीं को मिलने वाला है जिनके पास सीजन 1, 2, 5 पहले से थे। ओके, ये इवेंट आने से पहले से थे, उन सबको वो मेल बॉक्स में मिल जाएगा। यानी आप सभी ने बहुत टाइम पे देखा होगा, मैंने भी वीडियो में कवर किया है कि मेरे मेल बॉक्स में जैसे आइटम्स वगैरह आते हैं, उसी टाइप से उन सारे बंदों को भी वो वेटरन वाले इलाइट पास के बंडल्स मिलने वाले एंड वो 25 तारीख को मिलने वाले हैं। सो आई होप गाइस कि आप सभी को सब चीजें समझ में आ चुकी होगी वेटरन इलाइट पास के बारे में, कि भाई किसे मिलने वाला है, किसे नहीं मिलने वाला है, क्या कुछ सीन रहने वाला है। ओके, वो सारी की सारी चीजें मैंने बता दिया है एंड लिटरली यार मुझे अभी तक क्या मिला है क्या नहीं मिला है मुझे कुछ भी पता नहीं चला है। जस्ट मैं ऐसा मतलब स्पिन करते जा रहा था, मुझे अभी भी नहीं पता है कि मुझे मिला क्या है यार। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो टोकन्स पे टोकन्स मिलते जा रहे हैं, जो इलाइट पास फ्रेगमेंट्स के टोकन्स है वो मिल रहे हैं एंड बैनर्स वगैरह भी मिल रहे हैं। फिलहाल अपने पास 11,000 डायमंड्स बचे हुए हैं। सो चलो यार, फटाफट से 1:40 का स्पिन मारते हैं। ओ भाई साहब, कांग्रेचुलेशन एंड एक बंडल वो भी फीमेल वाली, चलो अच्छी बात है यार, कुछ तो मिला। एंड यहाँ से 40 का एक और स्पिन मारते हैं, लेट्स सी हमें क्या मिलता है, क्या हमें कोई एक स्पिन के अंदर हिप हॉप बंडल मिल जाते हैं। सो फटाफट से यहाँ पर मैं स्पिन मारता हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे ये तीनों के तीनों बंडल्स निकालने हैं ना, तो मुझे नॉन स्टॉप स्पिन मारते ही जाना होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मतलब मैं स्पिन मारते जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। बट हाँ, हो सकता है हमें आगे चल के कुछ बहुत मिल जाए, यानी कि बंडल्स वगैरह मिल जाए, क्या पता मिल सकता है यार, ऐसे मत देखो मतलब यार मिल सकता है, ऐसे नजर मत लगाओ भाई। हाँ मिल गया, ये ओ यार ये तो लूट बॉक्स बता, कुछ तो मिला है यार, जो भी चीजें मिल रही है ना इसके अंदर से वो सारी की सारी चीजें एकदम अल्ट्रा रेयर ही है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ भी मिल रहा है, चलो कोई ना। एंड यहाँ पर एक अच्छी चीज है, मुझे ये दिखी कि भाई टोकन्स यहाँ पर मैं जमा कर पा रहा हूँ एंड इससे भाई यहाँ पर मैं क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज रही। एंड आप लोग देखो यार, नॉन स्टॉप में मारे जा रहे हो बट यार कुछ नहीं मिल रहा है। फिर से एक स्पिन ऐसे ही मारते जाएंगे जब तक हमारे यहाँ से सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 नहीं निकल जाता। टारगेट अपन वही है कि हाँ भाई ये तीनों ऐसे निकल सकता है, बट देखने वाली बात होगी यहाँ से हमारी कितने डायमंड वेस्ट हो जाती है एंड कब तक हमें निकल करके आती है। सो फटाफट से यहाँ पर मैं देखता हूँ एंड भाई कितना ज़्यादा स्पीड में मार रहा हूँ लिटरली यार, मतलब कुछ भी। चलो फटाफट से मारते हैं एंड देखते हैं भाई, इतना ज़्यादा स्पिन आपने मतलब मेरे वीडियोज में तो नहीं देखा होगा इतनी ज़्यादा स्पीड में मारते हुए, बट हाँ मैं बहुत धीरे धीरे मारता हूँ यार, एक एक देख करके कि भाई
मेरा डायमंड इससे वेस्ट हो रहा है, बट हाँ अभी के लिए फटाफट से मारते हैं क्योंकि मुझे पता है यार कि जब तक मैं जल्दी जल्दी नहीं मारूंगा तब तक ये ऐसे निकलने वाली नहीं है। एंड यहाँ पर देख पा रहे येल्लो वाले ड्रॉप्स आए थे बट वहाँ से कुछ निकले नहीं है, जो भी पहले से मिले हुए थे वही मिले हैं। दोबारा से एक और स्पिन मारते हैं, एक और स्पिन नहीं निकला, फिर से एक स्पिन। यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोग देखो, एक ओके एक बैनर मिला है जो कि मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट लिटरली वो मेरा फेवरेट है। एंड एक ग्रेनेड की स्किन, चलो कोई ना। एंड उसके बाद लूट बॉक्स फिर से जो कि ऑलरेडी मिला हुआ है, भाई क्यों दे रहे हो यार ऑलरेडी मिला हुआ। एंड यहाँ से इलाइट पास के फ्रैगमेंट्स, एंड इलाइट पास के फ्रैगमेंट्स अभी 216 हो चुके हैं बट अभी मेरे को चाहिए समथिंग 360 तक के चाहिए शायद, उसके बाद में सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 एंड उसके बाद कुछ और भी एडिशनल ले पाऊंगा। ओके सो फटाफट से यहाँ से मारते हैं। एंड अपने पास 7627 डायमंड्स बचे हुए थे। एंड यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेसन, ओके भाई यहाँ पर सीजन 4 मिल चुका है, आई थिंक ये सीजन 4 ये मुझे उतनी ज़्यादा सही से पता नहीं है बट हाँ सीजन 4 ही है भाई, ऐसे मत बोलो, मुझे पता है वैसे ही मजाक बोल रहा हूँ। यहाँ से मैंने फिर से स्पिन किया एंड एक जैकेट मिला है, चलो यार अच्छी बात है यार जैकेट मिला है अपन को। सो फटाफट से आगे देखते हैं क्या कुछ यहाँ से, अभी बहुत सारी चीज़ें निकालनी है भाई, बहुत सारी 6000 डायमंड्स अभी भी है, पूरा का पूरा ख़त्म करके ही जाएंगे इस वीडियो में, क्यों टेंशन ले रहे हो यार पूरा ख़त्म करके जाएंगे, चिल करो अभी के लिए, देखते जाओ बस देखते जाओ कितने टाइम में ये ख़त्म होता है। एंड लेट्स सी फटाफट से अपन लोग स्पिन मारते हैं। एंड लिटरली यार मेरे हाथ दर्द हो गए कि भाई मैं इतना ज़्यादा स्पिन तेज़ी तेज़ी से मार रहा हूँ, बट हाँ यार आप लोग के लिए इतना कर सकते हैं इसलिए आप लोग लाइक कर देना, ओके जस्ट लाइक कर देना। एंड चलो यार आगे देखते हैं, 6000 डायमंड्स अभी भी बचे हुए हैं, 6067 एंड एक सर्वबोर्ड जो कि ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, 6027 डायमंड्स अभी भी बचे हुए हैं लेफ्ट है। एंड अभी भी अपने को और भी टोकन्स चाहिए, यहाँ पर टोकन्स पे टोकन्स मिल रहे हैं, 312 टोकन्स हो चुके हैं। लेट्स सी अभी कोई अल्ट्रा रेयर ड्रॉप्स नहीं गिर रहे, यानी कि येलो ड्रॉप्स नहीं गिर रहे कि हमें वहाँ से कुछ रेयर बंडल्स मिलेंगे। यहाँ पर रेड वाले पिंक वाले तो मिल रहे हैं बट हाँ उसमें भी कुछ अच्छी चीजें नहीं मिल रही है, ऐसी चीजें मिल रही है जो कि ऑलरेडी हमें मिली हुई है। चलो चलो गाइस मिलेगा यार, ऐसे कैसे भाग जाएगा हिप हॉप, मिलेगा भाई सीजन 1 सकुरा सब चीज मिलेगा। अपने 349 टोकन्स हो चुके हैं यहाँ पर इलाइट पास फ्रेगमेंट टोकन। एंड फिर से मैंने 10 की स्पिन मारी, फिर से टोकन की बारिश हो चुकी है। एंड यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन, इसके साथ एक चमचमाती हुई लूट बॉक्स मिल चुकी है एंड अपनी 89% हो चुकी है। सो कुछ ना कुछ 100 पे शायद मिल जाए, यहाँ पे 100 हो चुका है बट कुछ नहीं मिला, चलो अपनी कर चुके हैं। ओके यहाँ पे येलो ड्रॉप्स गिरे बट लेट्स सी क्या मिलता है। ओके वही मिला जो पहले मिल चुका है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार मत करो ना। यहाँ पे अपनी 406 टोकन हो चुके हैं, फिर से टोकन मिला भाई, इस बार 5 टोकन मिले थे। एंड फटाफट से चलते स्पिन मारते हैं, सिंगल स्पिन एंड देखते हैं क्या कुछ निकल जाए, क्या यहाँ से हिप हॉप निकल जाएगा, मुझे नहीं लग रहा यार, अपनी तो अब 70% यही लग रही है कि टोकन से जाकर के एक्सचेंज करने पड़ेंगे। सो चलते स्टोर के अंदर एंड देखते हैं क्या कुछ यहां से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज़ अपनी 416 टोकन हो चुकी है। सो सबसे पहले हम लोग यहां पर सीजन 3 देख पा रहे, काफी ज्यादा ही शानदार है बट हाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे सीजन 1 से ही, ऐसा नहीं है कि भाई हम सीजन 2 पहले ऐसे, ऐसा नहीं है, पहले हम लोग सीजन 1 एक्सचेंज करेंगे फिर सीजन 2 एंड फिर सीजन 3, बट उससे पहले कुछ और स्पिन हो जाए क्योंकि अभी भी टोकन्स की जरूरत है। एंड अपन को एक और स्पेशल चीजें चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिला है, वो है अपना सर्वबोर्ड। ओके सर्वबोर्ड एंड कुछ बैनर्स है जो कि मुझे स्पेशली चाहिए, बंडल्स मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं बट हाँ वो बैनर्स मेरे को चाहिए यार, बहुत ही ज्यादा औसम लगती है। सो फटाफट से यहाँ पर मैं स्पिन मारता हूँ, फिर से स्पिन करते हैं एंड स्पिन पे स्पिन होते जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिटरली डायमंड बहुत ज्यादा कटे हैं, आप लोग खुद ही देखो यार, मतलब निकल ही नहीं रहे यार, निकल ही नहीं रहे सीधी सी बात। एक फीमेल वाली बंडल एंड सीजन 4 निकला था, हम लोग कैसे भूल रहे हैं यार सीजन 4 निकला था, बट यार जितनी ज्यादा निकलनी चाहिए तो उतना निकल रही, बट हाँ सही है यार देखा जाए तो एट द एंड सही है।
चलो देख रहे जाए। एंड अब अपने पास 471 टोकन्स हो चुके हैं एंड आई थिंक ये एनफ होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। बट या अभी भी हम लोग कुछ बहुत स्पिन मारेंगे क्योंकि भाई उसमें भी कुछ एडिशनल रिवॉर्ड्स है जैसे कि बैनर वगैरह, अवतार वगैरह, वो सारी चीज़ें चाहिए। कुछ बहुत अवतार तो अपन को मिल चुके हैं बट हाँ कुछ बहुत ऐसे अवतार है जो कि मुझे चाहिए। सो यहाँ पर मेरे हो चुके हैं 1347 डायमंड्स हो चुके हैं एंड अभी भी स्पिन में मारे जा रहे हो यार। लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डायमंड्स लग चुके हैं। बट एट द एंड अपन की एक्सचेंज करने की भी बारी आएगी जहाँ पर हम लोग एक्सचेंज करेंगे। सो फटाफट से यहाँ पर स्पिन करते हैं जितनी जल्दी हो सके एंड 491 टोकन्स हो चुके हैं। सो फटाफट से चलते हैं स्टोर के अंदर एंड लेट्स सी हम लोग कितने बंडल्स को यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीजन 3 सीजन 1 491 हो चुके हैं। सो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, सबसे चीज़ें मेरे को वो सर्वर चाहिए। तो फटाफट से पहले तो यार सीजन 1 एक्सचेंज करेंगे क्योंकि यार पहले आया सीजन 1 इसीलिए पहले करेंगे। यहाँ पर अपन लोगों ने सीजन 1 कर लिया एक्सचेंज एंड उसके बाद यहाँ से बैक नहीं कर सकते हैं। सो फटाफट से ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो क्यों भी कर लिया, सोल्ड आउट हो चुका है। एंड ये आया सीजन 2, इसे भी मैंने कर लिया एक्सचेंज एंड यहाँ से हो चुका है, ये भी सोल्ड आउट एंड इसे भी कर लेते हैं इक्यूब। एंड फिर आता है सीजन 3, ये 120 टोकन्स के ये, सो फटाफट से इसे भी कर लेते हैं एक्सचेंज एंड ये आया अपना सीजन 3 जो कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर हम लोगों ने इसे भी ले लिया एंड अब अपने पास टोकन 11 हो चुके हैं एंड इसमें अभी भी कुछ बहुत, मतलब देखो मेरे को प्रॉपरली यहाँ से एक सर्वबोर्ड लेना है ओके एंड उसके लिए फिर से थोड़े बहुत तो स्पिन करने ही पड़ेंगे ना क्योंकि ऐसे नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने कर दिया 10+1 का, मतलब 400 डायमंड्स का मैंने फिर से कर दिया है एंड लेट्स सी यहाँ से क्या कुछ मिलती है। एक जैकेट मिल चुकी है जो कि बहुत अच्छी बात है एंड यहाँ से फिर से एक बार मारना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मार दिया एंड आई थिंक ये एनफ है ओके। और इसके साथ एक येलो वाली भी ड्रॉप गिरी थी बट यहाँ पर ओके कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, स्कैम हो गया अपने साथ, ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया। 120 टोकन्स का यहाँ पे घाटा हो गया। काश मैं पहले स्पिन कर लिया होता और उसके बाद वहां से एक्सचेंज करने जाता। मैंने सीजन 3 को एक्सचेंज कर लिया था बट उसके बाद निकला। काश मैं इससे सीजन 5 निकाल लेता तो भाई हो तो जाता अपना सीजन 5। चलो कोई ना यार, चलता है भाई, कोई ना, जाने दो, मेरी गलती है यार, तो अपनी गलती कैसे, मतलब अपने को कैसे बुरा माने ओके समझ रहे हो ना। तो चलो यार यहां से मैं सीजन 5 काश आ जाता यार 120 टोकन्स के अंदर। कोई ना यार, फटाफट से अपन को अभी क्या करना है, सर्वबोर्ड निकालने हैं जो कि काफी ज्यादा ही शानदार है एंड इस वाले सर्वबोर्ड को निकालने के लिए कतई जहर यहाँ पर फाइनली मिल चुका है एंड अपने पास लेफ्ट 8 टोकन भी बच चुके हैं। सो उसका मैं बाद में ऐसा करूँगा, कुछ बैनर्स वगैरह ले लेंगे। बाकी अभी के लिए यार ये सब चीज़ों के लिए शायद मुझे 187 डायमंड्स को भी वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद शायद निकले, बट नहीं निकलेगा यार छोड़ो। एंड उसके बाद चलते हैं यार फटाफट से वॉलेट के अंदर एंड आई होप आप सभी को सारी चीज़ समझ में आई होगी, मतलब आपने हिप हॉप वगैरह भी निकालते हुए देख लिया, बहुत लोगों को भी देखा होगा बट एट द एंड मुझे भी देख लिया। एंड उसके बाद आपको मैंने वेटरन वाले इलाइट पास का भी सीन समझा दिया क्या कुछ रहने वाली है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।